अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ रोज़ सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर बस टीवी लाउंज का डोर ओपन करके मैं बाहर आ जाती हूँ और सुबह सुबह का टाइम। और देखें मेरे फेवरेट फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, पिंक कलर के। मुझे फ़्लावर्स बहुत पसंद हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ रोज़ है सुबह का टाइम और मैंने रेडी करना था बच्चों का लंच। आज बच्चों को लंच में मैं दे रही हूँ केक, स्विस रोल्स और साथ में बिस्किट्स और ब्रेड जैम के साथ। यहाँ पर मैंने कर लिया था बच्चों का लंच पैक और बॉटल्स में डाल दिया था पानी। पानी डालने के बाद मैंने बच्चों को दे दिया था दूध फीडर में डाल के, और बच्चे अभी तकरीबन सो रहे थे। फिर मैंने बच्चों को उठा के यहाँ पर रेडी कर लिया था। दोनों रेडी हो गई थी, हुरैन फातिमा भी और यमुना फातिमा भी। आज रात में हुई थी बारिश और मौसम आज सुबह बहुत अच्छा था और बहुत ही हल्की हल्की सी इस तरह ठंड सी फील हो रही थी और बड़ा मज़े का मौसम था। अभी तो बारिश रुकी हुई है लेकिन ये है कि दिन में भी हल्की सी बारिश फिर स्टार्ट हो गई थी। तो ये सुबह का टाइम है। बच्चों को भेजने के बाद मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था नाश्ता और आज मैंने मंगवाया था नान और साथ में ऑमलेट। और फिर मैंने काम शुरू कर दिया। एंग्री बर्ड्स के स्टाइल चेक करें आप। यहाँ पर हो गया था काम भी और सफाइयाँ भी, और फिर बच्चे भी आ गए थे। बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। ये देखें ये हुरैन फातिमा, बस बच्चों के आने का टाइम हो गया था। बच्चों के मैंने कर लिया था ड्रेस चेंज और मैंने मशीन वॉश लगा दिया था, कपड़ों को डाल दिया था मैंने मशीन में और वॉश सेट कर लिया था यहाँ से ऑटोमेटिक वॉश। और साथ मैंने कहा चले और काम कर लेते हैं। बस इसके साथ साथ मैंने फिर कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और फिर ये टाइम हो गया था हुरैन फातिमा को पढ़ाने का। फिर मैं हुरैन फातिमा को पढ़ाने लगी, स्कूल का होमवर्क करवाना क्योंकि इनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। फिर नानो और मोमानी आ गई थी, उनके लिए मैंने आज रेडी किए थे ब्रेड पकौड़ा और साथ में चाय भी रेडी की थी। ब्रेड पकौड़ा में मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन और मैंने साथ डाला था इसमें चाट मसाला, और इसको मैंने कर दिया था फ्राई। इनको बहुत ही मज़े के बनते हैं ऐसे ब्रेड को, ये देखें बेसन लगा कर बड़े मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनका। फिर रेडी होगी थी चाय और मैंने बच्चों को शॉवर दिलवा के साथ ही बच्चों को रेडी कर दिया था। और आज इन्होंने पहने थे आज़ादी ड्रेस। फिर हम चले गए थे पास की मार्केट में क्योंकि मुझे लेने थे कुछ फ्रूट्स बच्चों के लिए और वेजिटेबल्स, बस वो लिए। और फिर हम आ गए थे घर वापस और साथ ही बच्चों ने ले लिए थे अपने डोनट्स शॉप से और बच्चे इसे इंजॉय कर रहे हैं। यमुना को भी बहुत अच्छे लगते हैं डोनट्स, हुरैन को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर बस रात हो गई थी और हम चले गए थे छत में, तो बस वहाँ से गीगा मॉल का बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था और हम भी इस्लामाबाद में ही रहते हैं तो इसलिए बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। और माशाल्लाह इस्लामाबाद तो है भी बहुत खूबसूरत शहर, कैपिटल है पाकिस्तान का। तो यहीं करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।